सिम कार्ड जो कि वीआईपी नंबर वाला होता है, सपोज कि हम लोग लास्ट में 1 2 3 4 चाहिए इस तरह का कुछ, या फिर आपको स्क्रीन में कुछ नंबर आ रहा होगा इस तरफ कुछ इस तरह का नंबर आपको दिख रहा होगा, इस तरह का नंबर हम लोग कैसे बाय कर सकते हैं, हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे कि इस तरह का नंबर किस तरह बाय कर सकते हैं। तो वीआईपी नंबर का बहुत सारा फायदा है, जैसे कि आप अगर बात करें तो नंबर को याद रखना आसान हो जाता है। एक तो खुद से चूज करके नंबर लेंगे तो सबसे पहले कि एक आसान नंबर ही लेंगे, बहुत हद तक जहाँ तक कि आसान मिल जाए हम लोगों को, देखने में भी नंबर अच्छा लगेगा, किसी को नंबर देना अच्छा लगता है कि वो नंबर अगर किसी को देते हैं और वो एक वीआईपी नंबर की तरह दिखने में लगता है तो वो भी बहुत अच्छा है। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे एक फैंसी नंबर वाला सिम कार्ड जो है कैसे बाय कर सकते हैं, यानी कैसे एक वीआईपी नंबर हम लोग ले सकते हैं वो भी फ्री में। वीआईपी नंबर फ्री में मिलने का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, जैसे कि 90 और उसके बाद 8x5 हो या 8x1 हो, इस तरह का फैंसी नंबर मिलना तो अभी मुश्किल है, लेकिन हम लोग को बहुत हद तक फैंसी नंबर या फिर हम लोग को कहें अपने हिसाब से नंबर मिल सकता है हम लोग को, वो भी फ्री में। हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं नंबर खुद से चूज करके, सिम कार्ड का जो नंबर होता है वो नंबर हम लोग खुद चूज करके ले सकते हैं, वो भी होम डिलीवरी हो जाएगा। तो हम लोग आज वही प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम लोग एक सिम कार्ड बाय कर सकते हैं, वो भी वीआईपी नंबर यानी के फैंसी नंबर के साथ। और कुछ कुछ जगह में होम डिलीवरी अभी नहीं पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा चांस है कि आपका पिन कोड में होम डिलीवरी हो सकता है। और भी बहुत सारा वीआईपी नंबर का फायदा होता है, जैसे कि आपको मन नहीं करेगा चेंज करने का, तो फिर इससे क्या फायदा होगा कि जब आप नया सिम निकालते हैं, एक सिम आपका ऑलरेडी नाम पे है लेकिन वो खो जाने के बाद या किसी भी तरह अगर वो सिम अच्छा नहीं लगता है तो दूसरा सिम बदल लेते हैं हम लोग, तो नंबर नया ले लेते हैं। लेकिन अगर जब आपके पास एक वीआईपी सिम होगा तो आपको जल्दी नया सिम कार्ड जो है नया नंबर के साथ निकालने का भी मन नहीं करेगा, और जो आपके पास वीआईपी नंबर होगा वो आपका जो सिम है कंटिन्यूस रहेगा और आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि एक सिम कार्ड लिए बैंक में दिए कहीं पे और भी ओटीपी का जरूरत था और वो सिम कार्ड हम चेंज कर चुके हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसे हम लोग एक वीआईपी नंबर वाला सिम कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, वो भी होम डिलीवरी के साथ। और आपको क्या करना है, बस आधार कार्ड लेके जाना है, वहीं पे आपको सिम कार्ड दिया जाएगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके फिर आपका जो है आधा घंटे के अंदर आपका सिम जो है एक्टिवेट कर दिया जाता है। आपको हम दिखाते हैं पूरा प्रोसेस मोबाइल के थ्रू, तो चलते हैं हम लोग मोबाइल की तरफ, मोबाइल में देख लेते हैं कि किस तरह आप सिम को ऑर्डर कर सकते हैं, एक वीआईपी नंबर ऑर्डर कर सकते हैं वो भी फ्री में। फ्री का मतलब ये नहीं कि जो है पूरा एकदम जो वीआईपी नंबर होता है, जैसे कि 45 हो गया या फिर 5x5 लिखा हुआ रहेगा नंबर में, या फिर कुछ कोई भी नंबर ऐसा जो 5x5 या 6x रिपीट करता है, उस तरह का नंबर तो आपको आसानी से वो भी फ्री में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग अपने हिसाब से नंबर चाहते हैं, जैसे कि हम लोग अगर नंबर में अपना बर्थ ईयर हो या फिर 786 हो, इस तरह का कुछ अगर नंबर चाहते हैं तो हम लोग इस तरह का नंबर बहुत हद तक मिल सकता है हम लोगों को, और अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको बहुत अच्छा नंबर भी फ्री में मिल सकता है। तो हम लोग चलते हैं प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह हम लोग मोबाइल के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। मोबाइल का स्क्रीन आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, तो चलते हैं हम लोग मोबाइल में कौन सा एप्लीकेशन की मदद से हम लोग जो है सिम को ऑर्डर करेंगे। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये वीआई एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपको आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है वीआई। सर्च करने से आपका जो वीआई का एप्लीकेशन जो आएगा इस तरह से, जैसे कि हम इंस्टॉल किए हुए हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है ओपन का, आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इसको करना है ओपन। तो यहाँ पे जो वीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन जो है वीआई नंबर से भी होगा, नॉन वीआई नंबर से भी लॉगिन हो जाएगा, जैसे कि जियो का हो गया, एयरटेल का हो गया, तो कोई भी सिम से आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि हम जियो का नंबर से लॉगिन करके देखते हैं, यहाँ पे हम जियो का नंबर एंटर करते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि यू हैव एंटर्ड ए नॉन वीआई नंबर। इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। यू मे स्टिल प्रोसीड टू लॉगिन एज ए गेस्ट यूजर। हम लोग लॉगिन कर लेते हैं गेस्ट यूजर की तरह, लॉगिन विद ओटीपी कर देना है। इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा जब आपके पास नॉन वीआई सिम कार्ड रहेगा। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही है, आप फिर भी यहाँ से बाय कर सकते हैं आसानी से वीआईपी सिम। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन आया हुआ है, अगर देखें यहाँ पे बाय पोस्टपेड, बाय प्रीपेड, पोर्ट टू वीआई एंड गेट वीआईपी नंबर। आपको क्या करना है, आप एक तो बाय पोस्टपेड भी कर सकते हैं, पोस्टपेड का झंझट चाहिए भी नहीं हम लोग को। सीधा क्या करना है, हम लोग आना है बाय प्रीपेड में, हम लोग प्रीपेड लेना है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 स्टेप में जो है हम लोग का ऑर्डर जो है कम्प्लीट होगा, जैसे कि सिलेक्ट ए पैक, उसके बाद फिर चूज ये नंबर, प्रीपेड सिम कंफर्म। यहाँ पे देख सकते हैं पहले तो बोल रहा है कि पैक सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिम आपका फ्री होगा लेकिन एक प्लान जो है आपको सिम के साथ खरीदना होगा। पहला वाला है 299 का, फिर है 479 का प्लान, उसके बाद
499 का, तो हम लोग इतना नहीं जाना है, हम लोग 299 वाला से आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट करते हैं 299 का पे। तो ये जो हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इंटर पोस्टल कोड। पोस्टल कोड हम लोग यहाँ पे इंटर कर लेंगे। एक पोस्टल कोड देने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आपके पोस्टल कोड में ये वाला डिलीवरी अवेलेबल रहेगा तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ग्रेट वी डिलीवर एट योर डोर स्टेप, अगर नहीं होगा तो वहाँ पे दिखा देगा कोड नॉट डिलीवर, तो आपको पिन कोड चेंज करके देखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर जो है एंटर कर देते हैं, तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दो नंबर देख सकते हैं, यहाँ दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक आई वॉन्ट नंबर ऑफ माई चॉइस एंड दूसरा है आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग नंबर। तो हम लोगों को पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई वॉन्ट नंबर ऑफ माई चॉइस। उसके बाद जो है हम लोग का इस तरह का कुछ आ गया है, कुछ नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। आपको अगर इस नंबर में से पसंद आया तो ये सब मैसेज, तो आप उस नंबर को सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, या तो फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम दो तीन नंबर आपको सर्च करके दिखा देते हैं, और आप अपने हिसाब से कुछ भी देख सकते हैं, आपका लकी नंबर कुछ होता है उस तरह से देख सकते हैं, और भी बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जिस तरह चाहे वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर करें 123, मतलब मेरा मोबाइल नंबर में ये वाला जो है 123 होना चाहिए। इस तरह से अगर हम सर्च करें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है, जैसे कि देख सकते हैं, तो 123 ये सब नंबर जो है सभी में है। और नेक्स्ट करके देख लेते हैं, यहाँ पे भी है, जैसे कि लास्ट में 123 अगर हम चाहिए हमको, तो ये वाला नंबर में लास्ट में 123 है, तो देख सकते हैं ये वाला नंबर में। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपका नाम डालना है, उसके बाद आपका एड्रेस डालना है। आपका एड्रेस अगर नहीं डालना था, आप डायरेक्ट लोकेशन का परमिशन दे करके एड्रेस खुद से ले लेगा। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसेस टू चेकआउट। उसके बाद आपको पेमेंट करना है 299 का। यहाँ पे लॉगआउट करते हैं, VI नंबर से अगर लॉगिन करते हैं तो किस तरह का ऑप्शन आता है आपको दिखा देते हैं, पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं VI के नंबर से। तो अभी हम VI के नंबर से लॉगिन कर रहे हैं, आपको दिखा देते हैं कि इसमें किस तरह का ऑप्शन आता है। इस तरह से कुछ लॉगिन होने के बाद कुछ ऑप्शन इस तरह का शो करता है। यहाँ पे आपका जो पैक चल रहा होगा उसमें पैक का डिटेल्स दिखा रहा होगा यहाँ पे, और भी बहुत सारा चीज़ें हैं यहाँ पे जो दिखाता है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं रिचार्ज फॉर अदर्स, यहाँ पे भी ऑप्शन है ऑर्डर न्यू VIP नंबर, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है जब VI सिम कार्ड से लॉगिन करते हैं तो। और नीचे अगर हम लोग स्क्रॉल करते हुए जाएं तो नीचे देख सकते हैं सेम ऑप्शन आ गया यहाँ पे, आगे नॉन VI नंबर से जो लॉगिन किए थे उस तरह का यहाँ पे देख सकते हैं, बाय पोस्टपेड बाय प्रीपेड गेट VIP नंबर एंड पोर्ट। तो हम लोग बाय प्रीपेड करेंगे, जैसे देख सकते हैं सेम स्टेप यहाँ पे भी है, आपको यहाँ पे भी पैक सेलेक्ट करना है, पोस्टल कोड इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, सिलेक्ट करते हैं पैक, उसके बाद यहाँ पे जो है पोस्टल कोड हम एक बार इंटर कर चुके थे पहले भी, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट जो है पोस्टल कोड ले लिया है, उसके बाद मोबाइल नंबर भी जो है ले लिया है, और यहाँ जो है प्रोसीड हो गया खुद से। तो यहाँ पे आपको आप मोबाइल अपना सर्च कर लेना है, मोबाइल नंबर आपको जिस तरह का मोबाइल नंबर चाहिए होगा आप खुद से सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 78692 अगर मेरा नंबर में चाहिए हमको, तो इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं। अगर ये देखें ग्रेट हियर आर योर मैसेज, तो यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे नंबर है सभी में कहीं ना कहीं 786 और 92 होगा, तो इसमें से हम कोई भी नंबर को बेस्ट लगता है उसमें से हम चूज कर सकते हैं, या फिर अगर हमको कुछ और भी नंबर चाहिए दूसरे तरह का सीरीज में, जैसे कि 123 हम सर्च करते हैं, तो 12 सर्च करने के बाद भी हम लोग जो है 123 देखिए 123 सर्च किया तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आ रहा है कि ये सब नंबर में है, और नेक्स्ट करके हम लोग दूसरी तरफ देख सकते हैं कि और भी कुछ नंबर है, तो हम लोग इस तरह का नंबर हम लोग सर्च कर सकते हैं। और भी जो आपके माइंड में चल रहा होगा, जैसे कि आपका बर्थ ईयर अगर 1998 है, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं कि हमको बर्थ ईयर चाहिए मोबाइल नंबर में, यहाँ पे देख सकते हैं 1998 जो है ये सब नंबर पे है, कहीं ना कहीं आपको जो बेस्ट लगता है नेक्स्ट करके देख लीजिए, अभी है नंबर आपको जो बेस्ट लगता है आप चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ और भी नंबर चाहिए जैसे कि 123 21 इस तरह का नंबर चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में आ गया है, दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जो भी चूज करते हैं, जैसे कि हम सपोज कि ये सिलेक्ट करते हैं एक नंबर, और ऑर्डर कैसे करते हैं, चूज करने के बाद आप पूरा नाम लिख देना है, उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो लिख देना है, उसके बाद जाकर के आपको प्रोसेस टू चेकआउट करना है। प्रोसेस टू चेकआउट करने के बाद जो है आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको बस पेमेंट करना होगा,
आप यहाँ पे चार ऑप्शन से कर सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई या फिर वॉलेट से, पेटीएम वॉलेट से भी आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है पेटीएम वॉलेट का। आप अगर यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना यूपीआई इंटर करेंगे, जिस मोबाइल से आपको पे करना है उसका यूपीआई करना है, यहाँ पे इंटर। यूपीआई इंटर करने के बाद वेरीफाई करना है, अगर वेरीफाई करके आपका नाम आ जाता है तो वहाँ पे प्रोसीड कर देना है। 299 का रिक्वेस्ट चले जाएगा, आप जो भी यूपीआई इंटर करेंगे उसी से रिलेटेड यूपीआई ऐप में आपका जो है रिक्वेस्ट चले जाएगा 299 का, वहाँ पे आपको पे कर देना है। यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो जाएगा और ऑर्डर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से कुछ आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं एक सिम ऑर्डर करने का। ये तो हो गया प्रीपेड का पूरा प्रोसेस। अगर आप चाहें तो पोस्टपेड का सिम भी ऑर्डर कर सकते हैं अपने नाम पे, उसमें हालांकि ज्यादा फैंसी नंबर मिल जाता है, यानी कि ज्यादा वीआईपी लुक नंबर में मिल जाता है। और अगर आप उस तरह का मंगाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, यहीं से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ही डिजिट के साथ तो आप ऑर्डर कर सकते हैं पोस्टपेड नंबर में भी, और पोस्टपेड नंबर में ऑर्डर करके आप कुछ महीनों बाद वो जो है प्रीपेड का फॉर्म भर के प्रीपेड में आ सकते हैं, फिर वापस आपका नंबर वही रहेगा। अगर आपका इंडिविजुअल यूज होगा, सिर्फ आप ही यूज करेंगे, तो आपको पोस्टपेड में जाने का कोई जरूरत नहीं है, प्रीपेड में ही एक अच्छा नंबर चूज करके आप निकाल सकते हैं। आपके पास अगर स्टोर हो या फिर छोटा मोटा बिजनेस है या फिर कोई भी ऐसा काम जो मतलब पब्लिक डील होता है, तो उस तरह से नंबर एक अच्छा नंबर ले सकते हैं, और भी पोस्टपेड में भी जो नंबर पर है। और अगर आपका अगर कहीं स्टोर है तो स्टोर का आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं कहीं पे, तो अगर इस तरह का नंबर हो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। आपका किसी तरह का बिजनेस है छोटा मोटा, वहाँ भी काम आता है। बड़ा बिजनेस में तो अक्सर नया वो लोग ऐसा नंबर लेता ही, लेकिन आपका छोटा बिजनेस भी अगर है तो आप खुद नंबर चूज करके आप इस तरह का नंबर यूज करेंगे तो आपका जो है इंप्रेशन अच्छा जाता है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपका हेल्प किया जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कुछ इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा।